कैसा होगा गोपाल का डबल रोल गोलमाल 5 में? क्या तुषार कपूर फिर रख रहे हैं बोलने की बात? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बार की गोलमाल में होगा गोपाल का डबल डोज, बस उसी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि ये गोपाल 2.0 कैसे खड़ी करेगा दिक्कतें। जी हाँ, अजय देवगन मूवी में पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों में दिखेंगे, जहाँ वो गोपाल का ही रोल प्ले करेंगे। रोहित शेट्टी के प्लॉट के हिसाब से ये नया गोपाल एक्चुअल गोपाल की प्रेजेंस में आता जाता रहेगा और सबसे पहले गोपाल और लक्ष्मण की जोड़ी में दरार पैदा करेगा और उसके बाद फाइट हो जाएगी 1 vs 4 में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक 2 vs 3 की लड़ाई, यानी कि हमने अजय देवगन और श्रेयस तलपड़े की एक टीम देखी है, वहीं उनका मुकाबला हर बार अरशद वारसी, तुषार कपूर और कुणाल खेमू के साथ होता है। लेकिन ये हमशक्ल गोपाल समय समय पर बाकी चारों को परेशान करता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से श्रेयस तलपड़े का कैरेक्टर भी अरशद की टीम में चला जाएगा। आगे आपको इस क्रम में दोस्तों बताते चले कि ऐसे में रियल गोपाल कंफ्यूज हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसी वजह से वो शहर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन फिर इससे गोपाल 2.0 का एक्चुअल एजेंडा पता चलेगा कि वो इन चार में से किसी एक को किडनैप करने आया है। वो क्यों, हम आपको बताते हैं, ताकि उसे अपने मालिक यानी परेश रावल के लिए बंदी बनाकर ले जा सके, बाद में इसी को वो अपने मजदूर बनाए और उससे काम निकलवाए। बस फिर क्या, ये गोपाल लौट आएगा अपने दोस्तों को बचाने के लिए। अब इस किडनैपिंग का टॉपिक सुनकर अगर आपको लग रहा है कि मूवी थोड़ी सीरियस होगी तो आप बिल्कुल गलत है। गोलमाल में क्राइम भी मजेदार तरीके से ही दिखाया जाता है और इस क्राइम और हमशक्ल की कहानी में आपको खूब हंसी आने वाली है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये हमशक्ल गोपाल का रोल अजय फनी तरीके से निभाने वाले हैं, जहां वो बार बार अलग अवतार में आएंगे नजर। दरअसल ये नया गोपाल पागल होने की एक्टिंग करेगा, जिसकी वजह से ही सब इससे अलग करेंगे। आपको बता दें कि अब गोलमाल में गोपाल की कहानी का लुफ्त आप कैसे उठाएंगे ये तो आपको ही पता है, लेकिन इसी की वजह से बड़े लंबे अरसे बाद हमें अजय का कॉमेडी अवतार दिखने वाला है और वो भी उस समय जब बॉलीवुड की गाड़ी ट्रैक पर नहीं चल रही है। हाँ, अजय देवगन अभी हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थैंक गॉड में भी एक फनी रोल ही प्ले करेंगे, लेकिन नथिंग बेटर देन अजय प्लेइंग गोपाल गोलमाल, है ना दोस्तों। बस फिर क्या, अजय एक नए डबल रोल में लेकर आने वाले हैं सियापे, ताकि आप सब पेट भर भर के हंसते जाएं और बस हंसते जाएं। हमने तो बस इतना ही बताया है कि ये रोल में गोपाल पागल होने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन इस पागल गोपाल में कितनी क्षमता है आपको हंसाने की, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। तब तक तैयार हो जाइए अपने फेवरेट कैरेक्टर चुनने के लिए, जब तक अजय देवगन तैयार करते हैं गोलमाल के इस डबल रोल के लिए। आगे आपको दोस्तों बता दें वो लकी लकी लकी, जी हाँ, इसकी तो हमने बात ही नहीं की। तुषार कपूर का वो रोल जिसमें उन्होंने बिना बोले ही लोगों का दिल जीत लिया, अब भी गोलमाल सीरीज में गूंगा ही है। अब तुषार बोलकर तो अपनी एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे, मगर बिना बुलवाए रोहित ने उनसे लकी का कैरेक्टर अच्छा खासा निकलवा लिया। बस फिर क्या, हर बार हवा उड़ती है कि अब की बार जरूर तुषार कपूर का कैरेक्टर गोलमाल में बोलेगा ही, लेकिन नहीं नहीं, रोहित से इस बार भी उन्होंने कंफर्म किया है कि ये कैरेक्टर इस बार भी नहीं बोलेगा। तुषार का लकी का कैरेक्टर कभी भी ऑन स्क्रीन बात नहीं करता हुआ दिखाई देगा। रोहित ने ऐसा कमेंट भी पास कर दिया है कि अगर लकी का 2.0 वर्जन आएगा, यानी कि लकी का हमशक्ल, तो वो भी कभी नहीं बोलेगा। लकी का कैरेक्टर ही ऐसा है और रोहित इससे किसी भी फैन थ्योरी या फिर ऑडियंस की मांग के लिए बदलने वाले बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इस बार भी गोलमाल 5 में तुषार कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे और बिना डायलॉग बोलते हुए और शायद हमें पसंद भी वैसे ही है वो। आखिर हर किसी का कैरेक्टर इतना यूनिक सा बनाया गया है, और किसने बनाया, जी हाँ, रोहित ने। तो हम कैसे फिर
फिर उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।